प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल साक्या रवि बोध, देखते रहिए साक्या रवि बोध, धन्यवाद। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। कि बुद्ध वंदन करूं शील पर मैं चलूं संघे दानी, दया करुणा है सब में बढ़ानी। ए बुद्ध वंदन करूं संघ शील पर मैं चलूं संघे दानी, दया करुणा है सब में बढ़ानी। तप किया था शरीर सुखाया, लाभ उसका न कुछ भी है पाया। इतने जर जर भय ना खड़े हो रहे शक्ति हानि, इतने जर जर भय ना खड़े हो रहे शक्ति हानि, दया करुणा है सब में बढ़ानी। जटाएं लंबे नाखून है जड़ जमाए, खून घटता गया मांस हटता गया टेक पानी, खून घटता गया मांस हटता गया टेक पानी, दया करुणा है सब में बढ़ानी। चेतनाहीन होने ही वाले अब तो चिंतन न संभले संभाले, चेतनाहीन होने ही वाले अब तो चिंतन न संभले संभाले। कान ना सुन सके, कान ना सुन सके, वस्तुएं ना दिखे काले आनी, कान ना सुन सके, वस्तुएं ना दिखे काले आनी, दया करुणा है सब में बढ़ानी। बुद्ध वंदन करूं शील पर मैं चलूं संघितानी, दया करुणा है सब में बढ़ानी। ही करेगा दान तप भी नहीं अब फलेगा, रिद्धि सिद्धि व्यथा ही करेगा दान तप भी नहीं अब फलेगा।
बात मानो सही, बात मानो सही हो ना पाए ठगी। छींक पानी बात मानो सही हो ना पाए ठगी। छींक पानी दया करुणा है सब में बढ़ानी। बुद्ध बंदन करूं शील पर मैं चलूं संगीतानी। दया करुणा है सब में बढ़ानी। आदरणीय श्रोताओं, ये जो नवीन प्रोग्राम आज आपके बीच में देने जा रहे हैं, सुजाता खीरदान की कथा यानी बोधसत्व को सुजाता नाम की एक लड़की ने, जो यादव वंशी लड़की है और बेला नगर में कैसे पहुंचे हैं बोधसत्व और कैसे वो खीर का दान दिया जिससे आगे चल करके सिद्धार्थ बुद्ध हुए। जब सिद्धार्थ गृह त्याग करने के बाद 29 वर्ष की आयु में राशि ठाट को त्याग करके वैराग धारण किया है और वैरागी बन करके एक संकल्प लिया है कि जब तक मुझे सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मैं कपिलवस्तु वापस नहीं आऊंगा। कपिलवस्त से दक्षिण दिशा में यानी मगध राज्य में राजगिरी में पहुंचे हैं। पांडु पहाड़ी पर ये राजगिरी नगर पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिन्हें पांडु पहाड़ी कहा जाता है, जहां के राजा बिंबुसार हैं। महाराज बिंबुसार ने जब योगीराज सिद्धार्थ के बारे में जाना है तो पांडु पहाड़ी पर उनसे मिलने पहुंचे। जब उनसे परिचय जाना है तो महाराज बिंबुसार ने बहुत समझाया, हे गौतम तुम हमारे मित्र के पुत्र हो, वापस चले जाओ, नहीं तो हमारा राज ज्यादा ले लो। लेकिन योगीराज सिद्धार्थ ने एक भी बात नहीं मानी तो महाराज बिंबुसार ने कहा ठीक है गौतम जाओ, मेरा शुभ आशीष तुम्हारे साथ है। महाराज बिंबुसार तो वहां से अपने नगर राजगिरी में जाते हैं और योगीराज सिद्धार्थ पांड पहाड़ी पर। इके गए जन राय रही मनु भाए अरण छटाय लवेली। इके गए जन राय रही मनु भाए अरण छटाय लवेली। आए गई सुच सांझ तबे बन जीव सबे सरती रस केली। संध्या का समय नजदीक आया है, वन के सभी जीव अपने अपने जोड़ों के साथ तालाबों पर एकत्रित हो रहे हैं। गेर रही करनी कर को हरनी हर संग करे अटकेली। तुरई ते महके पिरही चिरही चहके बहके बनबेली। धम्मू की आसरण में क्यों नरतन गमाए संग कौड़ी न जाए संग कौड़ी न। ये संसार रैन का सपना ये संसार रैन का सपना। आंख खुले पर कछु ना लखाए संग कौड़ी ना जाए संग कौड़ी ना। संसार कागज की पुड़ी
किया। ए ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भाई गल जाए, संग कौड़ी ना जाए, संग कौड़ी ना। महाराज बिम्बिसार तो अपने नगर राजगिरी में जाते हैं, योगी सिद्धार्थ उसी पांडु पहाड़ी पर रात बिता रहे हैं, और जब दूसरा दिन हुआ है, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हुए हैं, तो क्या देख रहे हैं लला सतीश? कित्ता पशु पांच तभी वहां आए, तभी वहां आए, भद्रादि की निज नाम बताए। पांच साधुओं का आना हुआ है, जिन्होंने अपने नाम अस्यत, कौंडी, भद्रक, वप्र और महाना, ये पांच साधु ब्राह्मण आए हैं। तापस पांच तभी वहां आए, भद्रादि की निज नाम बताए। और उन पांचों ब्राह्मणों ने परिचय देने के बाद उसी पांड पहाड़ी पर निज निज पर कुटीर बनाई, निज निज पर कुटीर बनाई, ठहर गए थर पावन पाई। आज उन पांचों ब्राह्मणों ने योगी राज सिद्धार्थ के पास में ही अपनी अपनी झोपड़ी तैयार की है, और पांचों वहीं समय बिताने लगे हैं। आज पांचों के साथ योगीराज सिद्धार्थ क्या करते हैं जैसा, और ये पांचों क्यों आए हैं? जो जन्म के समय असित मुनि ने घोषणा की थी कि सिद्धार्थ गृह त्याग करने के बाद बुद्ध बनेंगे, उन पांचों ने जान लिया है तो पास में आ गए। विचार करते हैं जब ये बुद्ध बनेंगे, बुद्ध ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले हमें कुछ मिलेगा, इसलिए ये पांचों आए। और क्या कर रहे हैं कि जप तप करत बिरत उपवासु, एक जप तप करत बिरत उपवासु, यह बिद बीत गए चौमासु, एक जप तप करत बिरत उपवासु, यह बिद बीत गए चौमासु। कहीं जप करते हैं, कहीं तप करते हैं, कहीं व्रत उपवास करते हैं, इस तरीके से बरसात के महीने बिताए। यानी योगी सिद्धार्थ अषाढ़ की पूर्णमासी पर आए हैं और कुंवार की पूर्णमासी आ गई है। तो एक दिन पांचों ब्राह्मण कहने लगे, हे गौतम, ये जप तप व्रत उपवास से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा करो हमें किसी अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए। पांचों कहने लगे, अच्छे गुरु की खोज करो। क्या कह रहे हैं कि योगी गुरु मिल जाए हमें, वो अच्छा मार्ग बताएगा, और इस दुनिया के फंदों से वो ही तो हमें छुड़वाएगा।
जो हमें कोई मार्ग बताए आगे का रास्ता सुगम हो। योगी गुरु हाँ योगी गुरु, अब योगी गुरु मिल जाए हमें तो अच्छा मार्ग बताएगा, और इस दुनिया के फंदों से कोई तो हमें छुड़वाएगा। मेरे बंधुओं पांचों विचार विमर्श करते हैं, सलाह देते हैं, योगी गुरु मिल जाए हमें वो अच्छा मार्ग बताएगा, इस दुनिया के फंदों से कोई तो हमें छुड़वाएगा। पांचों कहने लगे हैं महामन अच्छे गुरु की तलाश करो, क्योंकि गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार को मिटाता है प्रकाश पैदा करता है उसे गुरु कहा जाता है। लेकिन आज के गुरु जानते हो लला, आज के गुरु कैसे हैं कि गलन गलन गुरुआ फिरे और चेला कंठी ले ओ। एक गलन गलन गुरुआ फिरे और चेला कंठी ले ओ। मरो जियो खुद भाग से तुम हमें दक्षिणा दे ओ। आज के गुरुओं की ऐसी दशा है। और भैया हाँ, वैसे लोग कहते हैं गुरु करो जान के पानी पियो छान के, लेकिन नहीं, पानी नियत पेशा मिला है तो छनेगी नहीं। इसलिए क्या करना है, गुरु करो छान के, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। आज योगी राज सिद्धार्थ ने पांचों की सलाह मानी है। और उस समय और एक प्रश्न करते हैं हमारे भाई बहन कि जब बुद्ध का धर्म नहीं था तब कौन सा धर्म था, तब वैदिक धर्म था। उस समय अनेक वैदिक ऋषि थे, उन्हीं एक वैदिक ऋषि के पास कि सोच विचार करके मन में अब पांचों के संग धाए हैं। सोच विचार करके मन में अब पांचों के संग धाए हैं, और सुना नाम अधर्म सरणा का पास में उनके आए हैं। समय एक वैदिक ऋषि थे जिनका नाम था धर्म सरणा। कुछ भाई हमारे कहते हैं बुद्ध ने भी गुरु किए होंगे, हाँ मैं बता रहा हूं, जो प्रकाश पैदा करता है अंधकार दूर करता है वो गुरु कहलाता है। लेकिन तथागत बुद्ध स्वयंभू हैं, जो अर्जित किया स्वयं से, आज अधर्म सरणा के पास पहुंचे हैं। जब आप किसी से कुछ लेना चाहेंगे तो पहले कुछ देना पड़ेगा, तो उनसे पहले गुरु कहा। एक दिन मौका मिल गया, कहने लगे हे गुरुदेव एक बात बताओ। अधर्म सड़ा बोले लाला पूछो। तो क्या पूछते हैं, क्या शंका है योगी राज सिद्धार्थ की, और उत्तर क्या मिलता है, क्या बोले हैं गुरुदेव। दीख पड़े जो सारा जगी और नजर मेरी में आता है, ये सारा संसार हमें दिखाई देता है कि दीख पड़े जो सारा जग और नजर मेरी में आता है, फिर इस बार हमको बतलाओ क्यों बनता है और बिगड़ता है। है
ये बताइए, ये सारा संसार जो बार बार क्यों जन्म होता है, बार बार क्यों मृत्यु होती है, यानी क्या शंका है? अधर्म सरना कहने लगे, लाला ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ हम तुम्हें बता रहे हैं। क्या उत्तर दिया? ये पृथ्वी असत से सत्य में आई है और सत्य से सारे संसार की रचना हुई है। मेरे धर्म प्रेमियों, ये योगी सिद्धार्थ की बात का उत्तर नहीं था, तो अधर्म सरना को छोड़ दिया। एक और ऋषि थे जिनका नाम था प्रजापत परमेष्ठी, उनके पास पहुंचे हैं और उनसे भी कुछ समय बिताया। एक दिन उनसे भी पूछने लगे, हे गुरुदेव एक बात बताइए कि जन्म मरण है। क्या पूछ रहे? जन्म मरण है, दुख रोग बुढ़ापा और मीत विरह विपरीत बिलापा। जन्म भी दुख है, जवानी भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरना भी दुख है, प्रिय का बिछड़ना दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है, और भूख प्यास दुखी और उभारी। बोले हैं ईश्वर, भूख प्यास दुखी और उभारी, जाशह दुखी सभी नर नारी। हे ईश्वर, ये सारा संसार दुखों में क्यों जल रहा है, इसका क्या कारण है? तो प्रजापत परमेष्ठी कहने लगे, लाला ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ हम ये जानते हैं वायु में हलन चलन सभी शक्तियां विद्यमान हैं। तब वहां भी उत्तर नहीं मिला तो आगे बढ़ गए बृहस्पति के पास। बृहस्पति जल को मुख्य तत्व मानते हैं, कोई अग्नि को मुख्य तत्व मानता है। जब इन वैदिक ऋषियों से काम नहीं चला तो अपने समकालीन ऋषियों के पास पहुंचे, जिनमें महावीर स्वामी जिन्होंने जैन धर्म चलाया, उनसे जाकर जब बात की है तो महावीर स्वामी कहने लगे, तपस्या के द्वारा मानव दुख मुक्त पा सकता है। तो योगी राज सिद्धार्थ कहने लगे, ऋषिवर बात समझ में नहीं आई, जब सारा संसार तपस्या करने लगेगा तो ये सृष्टि की रचना नष्ट हो जाएगी, सब तपस्या में लीन हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं करने वाला होगा। उनका भी मत पसंद नहीं आया। महावीर स्वामी के मत को कहते हैं चातुर्याम संवरवाद, और बुद्ध के मत को कहते हैं हेतवाद या संततवाद। जब इनसे भी काम नहीं चला तो अंत में पहुंचे आधार कलाम के पास। आधार कलाम ने खोज की थी जिसे सांख्यिक दर्शन कहा जाता है या जिसे समाजवाद कहा जाता है। इसमें समाजवाद को तीन प्रकार में बांटा है आधार कलाम ने। पहला है पूरक, पूरक का मतलब है सांस को खींचना, इसका मतलब है दूसरा रेचक, रेचक का अर्थ है सांस को खींच करके रोक लेना, और तीसरा कुंभक, कुंभक का मतलब है सांस को धीरे धीरे छोड़ना। कुछ समय उनके पास बिताया, आधार कलाम की ये विद सीखी है, विचार किया अब हम तपस्या करेंगे किसी विद के द्वारा। मेरे बंधुओं, आज उर्मेला नगर में ही कि विद्या में मिला न सार, बना न कोई कार, सोच रहे मन में हम करें तपस्या, जाए रे के भैया कऊ उपवन में। सोच रहे मन में, सोच रहे मन में हम करें तपस्या, जाए काऊ वन में हम करें तपस्या, जाए काऊ वन में
ब्राह्मणों को साथ लिया है। ले पांचो साधु साथ, ले पांचो साधु साथ बने हर साथ बढ़े रूप बन में। गयो रबेला में आए रे के कचरे बन खल में गए। उर्वेला नगर में डोंगेश्वरी पहाड़ी पर पहुंचे हैं निरंजना नदी के किनारे। आज भी आप लोग जाएं तो वहां पर ये दृश्य मौजूद है जहां बोधसत्व ने तपस्या की है। आज तपस्या के लिए प्रावधान तैयार किया है, पहले भोजन का त्यागन किया है, धीरे धीरे यहां तक नंबर आया कि तिल का दाना खा करके रहे हैं। इसके बाद ये भी छोड़ दिया, खाली जल से गुजारा किया है, धीरे धीरे जल भी छोड़ दिया है। कितनी कठिन तपस्या कर रहे हैं कि गौतम छोड़ा जलपान, लगायो ध्यान कठिन तप कियो, और नैन कर लिए बंदरे के श्वास थाम लियो। श्वसन क्रिया को खींच करके ब्रह्मांड में चढ़ाया है। गौतम छोड़ा जल पानी, लगाओ ध्यान कठिन तप कियो, कठिन तप कियो, और नैन कर लिए बंदरे के श्वास थाम लियो। महीने दो महीने छह महीने वर्ष सी बिताने लगे हैं मेरे बंधुओं। सूखा सकल शरीर, सूखा सकल शरीर हो ना पी रहा रह जाई। छह वर्ष गए हैं बीत नहीं खम खाई, छह साल गए हैं बीत नहीं खम खाई। छह बरस सात महीने बारह दिन बिताए हैं ढोंगेश्वरी पहाड़ी पर, लेकिन शरीर पर धूल जम गई है, बाल बड़े बड़े हो गए। पांचों ब्राह्मण सेवा में लगे हैं कि अब ये बुद्ध बनेंगे तो सबसे पहले हमें बोध लाभ मिलेगा। मेरे भैया तपस्या में लीन हैं। एक दिन क्या होता है, एक महिलाओं की टोली निकली जो बीड़ा बजाती और गाती हुई जा रही है। जब साधु को देखा तपस्या करते हुए तो बीड़ा बंद कर दिया, गाना बंद कर दिया। एक सखी कहने लगी, ये सखी बीड़ा के तार को इतना ना खींचो, बीड़ा के तार को इतना ना खींचो कि वो टूट जाए। तो दूसरी बोली है, बहन इतना ढीला भी ना रखो कि उसमें स्वर ना निकले। जब ये शब्द बोध सत्य के कानों में पड़े, विचार करने लगे, हम तो तार ज्यादा ही खींच रहे हैं और थोड़े दिन बैठेंगे तो प्राणांत हो जाएगा। हाँ, एक शब्द यहां मिलता, बोध सत्य। बोध सत्य किसे कहा जाता है, जो ज्ञान का प्यासा है, जो ज्ञान अर्जित करना चाहता है उसे बोध सत्य कहा जाता है। मेरे भैया धीरे धीरे श्वसन को क्रिया को छोड़ दिया है और जैसे ही आंखें खोली हैं पांचों ब्राह्मण भाग भाग के पास में पहुंचे। मुनिदेव आपको ज्ञान मिल गया तो मना कर दिया, नामे सर हिला दिया है। मेरे बंधुओं पांचों निराश हो गए, कैसा ऋषियों ने अनाउंस किया है कि ये बुद्ध बनेंगे, इतने दिन हो गए तपस्या करते और आज इन्होंने मना कर दिया है, क्या करें। और इधर बोध सत्य की क्या दशा है लला। दाढ़ी मूछ जटा नख बाले, दाढ़ी मूछ जटा नख बाले, शक्तिहीन हो सके ना ठाड़े। इतनी शक्ति नहीं है शरीर में, खड़े होने की सामर्थ नहीं। दाढ़ी मूछ
जटानप बाढ़े शक्तिहीन हो सके ना ठाड़े। एक बिटप ते टेक लगाई, एक बिटप ते टेक लगाई, बैठे बोझ सा तू कहां जाई। एक बिटप ते टेक लगाई, बैठे बोझ सा तू कहां जाई। एक बरगद का सहारा लिया है और वहां पर जाकर के बैठे हैं, और मेरे भैया उसी बरगद से जो उर्वेला नगर के राजा थे सेनानी, जो यादव वंशी राजा थे, उनकी एक लड़की थी जिसका नाम था सुजाता। सुजाता ने वहां बरगद से एक मनौती मांगी थी। आज भी हमारी माताएं बहने बरगद और पीपल से ये मनौती मांगती हैं, पूजा करती हैं। हाँ, वैसे पीपल ज्यादा पूजा होती है, इसलिए वैसे कुछ लोग कहते हैं वहां ब्रह्मदेव रहते, ब्रह्मदेव नहीं रहते, इसका वैज्ञानिक कारण है। पीपल संसार में सभी वृक्षों से ज्यादा ऑक्सीजन देता है, और मेरे बंधुओं इसलिए कि पूजा काहे को करी है, पूजा काहे को करी है, मानव ने पीपल जैसी डाल की। पूजा काहे को करी है, मानव ने पीपल जैसी डाल की। और होए दबाई अंग अंग में पीपल लेव लगाई, ए होए दबाई अंग अंग में पीपल लेव लगाई। और सौ पुत्रों से बढ़ करके तुम ले वो पुण्य कमाई, वायु वायु शुद्ध जा करी है, मानव ने पीपल जैसी डाल की। ए वायु शुद्ध जा करी है, मानव ने पीपल जैसी डाल की। काहे को करी है, मानव ने पीपल जैसी डाल की। आज पीपल के पास पहले तपस्या की है, इसके बाद बरगद के पास पहुंचे, उसी बरगद से सुजाता की मनौती है, ऐ देव यदि मेरे पुत्र पैदा होगा तो मैं यहां खीर का भोजन चढ़ाऊंगी। आज बोध सतुसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं। जब सुजाता की दासी, इसका नाम पुण्या, किसी किसी पुस्तक में पूड़ा भी लिखा है, वो वहां सफाई करने आती है, तो वहां बोध सत्य को देखा तो भाग करके सुजाता से कहती, बहन तेरी मनौती पूर्ण हुई है, लेकिन तूने अपना वादा पूरा नहीं किया है। सुजाता ने देखा तो अपने पिता राजा सेनानी से आज्ञा ली है, बड़े प्रसन्न मन से आज्ञा दी है। सेनानी ने बहुत सी गाय पालते थे राजा सेनानी, सुजाता ने सभी गायों से थोड़ा थोड़ा दूध लिया है और एक मिक्सचर तैयार किया है, और अपनी सखियों को बुलाया, सभी सखियों को लेकर के सुजाता आज पूजा के लिए चली है। और इधर बोधसत्व कि संग भिक्षु लीने, संग भिक्षु लीने कि गौतम चल दीने, तप की करी है सलाह संग भिक्षु लीने,
संग भिक्षुली ने गौतम चल दी ने ज्ञान की करी है सलाह संग भिक्षुली ने बैठ रहे बरगद के नीचे ज्ञान की आश लगाए जब आप लोग उर्मेल आ जाएंगे तो बुद्ध का कोई भी चरित्र गपसप नहीं है, हर प्रमाण मौजूद है। वो बरगद का पेड़ आज भी वहां है जहां पर सुजाता ने वो खीर का दान दिया है। बैठ गए बरगद के नीचे ज्ञान की आश लगाए और इधर सुजाता हाथ थाली लीनी सुजाता चल दीनी पूजन की करी है शला हाथ खाली लीनी सुजाता आज सुजाता अपनी सभी सखियों को लेकर के चली है। कैसे लला अब लिए खीर को थाले हाँ थाले सुजाता पूजने जाए रही खीर बनाई है बॉब दहित सो खीर बनाई ए बॉब दहित सो खीर बनाई मेवा और जमे परी मिठाई ए मेवा और जमे परी मिठाई और जल को लोटा हाथ हाँ हाथ सुजाता पूजने जाए रही ए जल को लोटा हाथ हाँ हाथ सुजाता पूजने जाए रही गौतम पीपल के नीचे ए बैठे गौतम पीपल के नीचे ध्यान लगाए आंखें नीचे जाता जाकर के कहने लगी है देव मैंने जो यहां मनौती मांगी मेरी तो पूर्ण हुई है और आप मेरे दिए हुए भोजन से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें। बैठे गौतम पीपल के नीचे हम ध्यान लगाए आंखें नीचे अब जेले ओ जुनारे जुनारे सुजाता पूजने जाए रही सुजाता ने जब वो खीर का पात्र बढ़ाया है तो कांपते हुए हाथों से वो सत ने वो पात्र लिया है। पांचों ब्राह्मण देख रहे हैं और इधर वो सत की क्या दयनीय दशा है। और वो पात्र लेकर के कनक कटोरा हाथ ले
मन में गए हर साए निरंजना नदी के जाए तट कोई खीर लई है खाए। आज नदी के किनारे पहुंचे, नदी में हाथ मुंह धोया है और वही किनारे बैठ करके 30 कौर खीर के खाए हैं, वो पात्र नदी में बहा दिया है। जब उस भोजन की कुछ शक्ति शरीर में प्रवाहित हुई है, कुछ देर वहां विश्राम करने के बाद जब ऊपर चढ़े हैं पहाड़ी पर, तब किसरत घाट चढ़े ऊपर आए, वो पांचों ब्राह्मण देख रहे थे, विचार कर रहे थे ये लड़की ने भोजन दिया है, क्या वो सब तपस्या छोड़ करके भोजन पाएंगे। भोजन पा लिया है, अब पांचों ब्राह्मण नाराज हैं। सरत घाट चढ़ ऊपर आए, ते सब देख उन्हें अनिखाए, कहने लगे बाहरे गौतम बहुत आस थी तुमसे, तुम संसार को भर से पार करोगे, लेकिन तुम अपने मार्ग से विचलित हो गए और हमसे कुछ छुपाना नहीं। हम निज नैनन सो सब देखा, हम निज नैनन सो सब देखा, भय पथ भ्रष्ट तुम्हें मन लेखा, तथागत आए के ज्ञान बताए गयो मैंने ले लई सरल तुम्हारी तथागत, अरे ले लई सरल तुम्हारी मैंने ले लई सरल तुम्हारी तथागत, आए के ज्ञान बताए गयो मैंने पांचों ब्राह्मण बहुत नाराज हैं, कहने लगे गौतम कि आप ही डूब मरे मझधारा और करिहो का हमें भव पारा। गौतम तुम समय स्वयं ही मझधार में डूब गए हो, संसार को क्या पार करोगे। और पांचों नाराज होके कहने लगे गौतम हम तो जा रहे हैं, बड़ी आस हती सब भंग भई अब खंड कटोर चुरे न चुरे, बड़ी आस हती सब भंग भई अब खंड कटोर चुरे न चुरे, ले खीर भली फुल खाए गए अब उससे तुम ही चुरे न चुरे, हे गौतम तुम अपने मन को नहीं रोक पाए, मन अंक सही न मतंग भयो तप मारग वक्र मुरे न मुरे, अब लौन ते परतीत हती अब लागत बात फुरे न फुरे, कौदन माटी में मिल जावेगी तेरी सोने की हवेली, कौदन माटी में मिल जावेगी तेरी सोने की हवेली, हवेली तेरी काया की हवेली, कौन माटी में मिल जाएगी। इस तरीके से पांचों ब्राह्मण नाराज होकर के चले जाते हैं। अब बोधसत्व सुजाता की खीर खाने के बाद वही ढोंगेश्वरी पहाड़ी पर समय बिताते हैं। आगे की कथा
बोधलाभ में सुनेंगे मेरे बंधुओं। हाँ, और ये जो हमारा साथ दिया, चार जने हम सदा संग में सुंदरता पूढ़िया, और मिट्टी की मूरत बन जावे प्रेमी जन सुनवैया। सतीश बौद्ध शंकर पुरवासी ढोलक रहो बजाई, सतीश बौद्ध शंकर पुरवासी ढोलक रहो बजाई। और विधुना के पास को रहने वालों औरैया जिला कहाई, जगदीश बेटा संगम मेरे घड़ा रहो चटकाई, और शंकरपुर है ग्राम बताए औरैया जिला कहाई। कुलदीप छैया सभा बीच में चिमटा रहो खनकाई, कुलदीप छैया सभा बीच में चिमटा रहो खनकाई। और लक्ष्मणपुर को रहने वालों औरैया जिला कहाई, साक्या संग में बैठी जो शिष्या गई कहाई, और गुलशन भैया ने बिंदन गुलशन कैसे दर्शाई। साक्या स्टूडियो भैया जो रमन बौद्ध, साक्या स्टूडियो मेरे भाई जो तुम्हें कथा समझाई, और रमन बौद्ध जो शिष्य कहावे कोई कैसे तिलय हो जलाई। पंचशील की मालाए, पंचशील की माला जपेगा कोई दिल वाला, ए दिल वाला, दिल वाला जपेगा कोई मत वाला। ये माला राजा अशोक ने फेरी, कोई दिल वाला। ये माला बाबा साहब ने फेरी, ये माला बाबा साहब ने फेरी, संविधान रच डाला जपेगा कोई दिल वाला। और ये माला हम सबने फेरी,
मिला धर्म सुख वाला जपेगा कोई दिल वाला, ए मिला धर्म सुख वाला जपेगा कोई दिल वाला, पंचशील की माला जपेगा कोई दिल वाला, पंचशील की माला जपेगा कोई दिल। प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की। नमो तस्सु भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सु भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्सु भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमा। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमा। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। कि बुद्ध वंदन करूं शील पर मैं चलूं संघे दानी, दया करुणा है सब में बढ़ानी। ए बुद्ध वंदन करूं संग शील पर मैं चलूं संघे दानी, दया करुणा है सब में बढ़ानी। तप किया था शरीर सुखाया, लाभ उसका न कुछ भी है पाया, इतने जर जर भय ना खड़े हो रहे शक्ति हानि, इतने जर जर भय ना खड़े हो रहे शक्ति हानि, दया करुणा है सब में बढ़ानी। जटाएं लंबे नाखून है जड़ जमाए, खून घटता गया माँ से हटता गया टेक पानी, खून घटता गया माँ से हटता गया टेक पानी, दया करुणा है सब में बढ़ानी। चेतनाहीन होने ही वाले अब तो चिंतन न संभले संभाले, चेतनाहीन होने ही वाले अब तो चिंतन न संभले संभाले, कान ना सुन सके, कान ना सुन सके वस्तुएं ना दिखे काले आनी, कान ना सुन सके वस्तुएं ना दिखे काले आनी, दया करुणा है सब में बढ़ानी। बुद्ध वंदन करूं शील पर मैं चलूं संगीतानी, दया करुणा है सब में बढ़ानी। ही करेगा दान तप भी नहीं अब फलेगा,
दिव्य खाई करेगा, दान तप भी नहीं अब फलेगा। बात मानो सही हो ना पाए ठगी, छीको पानी। बात मानो सही हो ना पाए ठगी, छीको पानी। दया करुणा है सब में बढ़ानी। बंदन करूं शील पर मैं चलूं संगीतानी, दया करुणा है सब में बढ़ानी। आदरणीय श्रोताओं, ये जो नवीन प्रोग्राम आज आपके बीच में देने जा रहे हैं, सुजाता खीरदान की कथा यानी बोध सत्य को सुजाता नाम की एक लड़की ने, जो यादव वंशी लड़की है और बेला नगर में कैसे पहुंचे हैं बोध सत्य को और कैसे वो खीर का दान दिया जिससे आगे चल करके सिद्धार्थ बुद्ध हुए। जब सिद्धार्थ गृह त्याग करने के बाद 29 वर्ष की आयु में राशि ठाट को त्याग करके वैराग धारण किया है और वैरागी बन करके एक संकल्प लिया है कि जब तक मुझे सत्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक मैं कपिलवस्तु वापस नहीं आऊंगा। कपिलवस्तु से दक्षिण दिशा में यानी मगध राज्य में राजगिरी में पहुंचे हैं। पांडु पहाड़ी पर ये राजगिरी नगर पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिन्हें पांडु पहाड़ी कहा जाता है, जहां के राजा बिंबुसार हैं। महाराज बिंबुसार ने जब योगीराज सिद्धार्थ के बारे में जाना है तो पांडु पहाड़ी पर उनसे मिलने पहुंचे। जब उनसे परिचय जाना है तो महाराज बिंबुसार ने बहुत समझाया, हे गौतम, तुम हमारे मित्र के पुत्र हो, वापस चले जाओ, नहीं तो हमारा राज ज्यादा ले लो। लेकिन योगीराज सिद्धार्थ ने एक भी बात नहीं मानी तो महाराज बिंबुसार ने कहा, ठीक है गौतम, जाओ, मेरा शुभ आशीष तुम्हारे साथ है। महाराज बिंबुसार तो वहां से अपने नगर राजगिरी में जाते हैं और योगीराज सिद्धार्थ पांडु पहाड़ी पर। के गए जन राय रही मन भाए अगन छटाय लवेली, के गए जन राय रही मन भाए अगन छटाय लवेली, गई सुच सान तबे बन जीव सबे सरती रस केली, संध्या का समय नजदीक आया है, वन के सभी जीव अपने अपने जोड़ों के साथ तालाबों पर एकत्रित हो रहे हैं। गेर रही करनी कर को हरनी हर संग करे अटकेली, तुरई ते महके फिरही चिरही चहके बहके बनबेली, धम्म की आसरण में क्यों नर्तन गमाए संग कौड़ी न जाए संग कौड़ी न। ये संसार रैन का सपना, ये संसार रैन का सपना, आंख खुले पर कछु ना लखाए संग कौड़ी ना जाए संग कौड़ी ना।
संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े भाई गल जाए, संग कौड़ी ना जाए, संग कौड़ी ना। महाराज बिंबिसार तो अपने नगर राजगिरी में जाते हैं, योगी सिद्धार्थ उसी पांडु पहाड़ी पर रात बिता रहे हैं। और जब दूसरा दिन हुआ है, दैनिक क्रियाओं से निवृत्त हुए हैं, तो क्या देख रहे हैं लला सतीश? किता पस पांच तभी वहां आए, भई वहां आए, भद्रादि की निज नाम बताए। पांच साधुओं का आना हुआ है, जिन्होंने अपने नाम अस्यत, कौंडी, भद्रक, वप्र और महानाम, ये पांच साधु ब्राह्मण आए हैं। तापस पांच तभी वहां आए, भद्रादि की निज नाम बताए। और पांचों ब्राह्मणों ने परिचय देने के बाद उसी पांड पहाड़ी पर निज निज पर कुटीर बनाई, निज निज पर कुटीर बनाई, ठहर गए थर पावन पाई। आज उन पांचों ब्राह्मणों ने योगी राज सिद्धार्थ के पास में ही अपनी अपनी झोपड़ी तैयार की है और पांचों वहीं समय बिताने लगे हैं। आज पांचों के साथ योगी राज सिद्धार्थ क्या करते हैं जैसा, और ये पांचों क्यों आए हैं? जो जन्म के समय असित मुनि ने घोषणा की थी, ये सिद्धार्थ गृह त्याग करने के बाद बुद्ध बनेंगे, उन पांचों ने जान लिया है तो पास में आ गए। विचार करते हैं जब ये बुद्ध बनेंगे, बुद्ध ज्ञान को प्राप्त करेंगे, तो सबसे पहले हमें कुछ मिलेगा, इसलिए ये पांचों आए। और क्या कर रहे हैं? कि जप तप करत बिरत उपवासु, एक जप तप करत बिरत उपवासु, यह विद बीत गए चौमासु, करत बिरत उपवासु, यह बिद बीत गए चौमासु। कहीं जप करते हैं, कहीं तप करते हैं, कहीं व्रत उपवास करते हैं, इस तरीके से बरसात के महीने बिताए। यानी योगी सिद्धार्थ आषाढ़ की पूर्णमासी पर आए हैं और कुंवार की पूर्णमासी आ गई है। तो एक दिन पांचों ब्राह्मण कहने लगे, हे गौतम, ये जब तक व्रत उपवास से हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा करो हमें किसी अच्छे गुरु की तलाश करनी चाहिए। पांचों कहने लगे, अच्छे गुरु की खोज करो। क्या कह रहे हैं? योगी गुरु मिल जाए हमें, वो अच्छा मार्ग बताएगा, और इस दुनिया के फंदों से वो ही तो हमें छुड़वाएगा।
करो, जो हमें कोई मार्ग बताए, आगे का रास्ता सुगम हो। योगी गुरु, हाँ योगी गुरु, अब योगी गुरु मिल जाए हमें तो अच्छा मार्ग बताएगा। और इस दुनिया के फंदों से कोई तो हमें छुड़वाएगा। मेरे बंधुओं, पांचों विचार विमर्श करते हैं, सलाह देते हैं, योगी गुरु मिल जाए हमें वो अच्छा मार्ग बताएगा। इस दुनिया के फंदों से कोई तो हमें छुड़वाएगा। पांचों कहने लगे, हे महामन, अच्छे गुरु की तलाश करो, क्योंकि गुरु का मतलब होता है गुरु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो अंधकार को मिटाता है, प्रकाश पैदा करता है, उसे गुरु कहा जाता है। लेकिन आज के गुरु जानते हो लला, आज के गुरु कैसे हैं कि गलिन गलिन गुरुआ फिरे और चेला कंठी ले। गलिन गलिन गुरुआ फिरे और चेला कंठी ले, मरो जियो खुद भाग से तुम हमें दक्षिणा दे। आज के गुरुओं की ऐसी दशा है। और भैया, हाँ वैसे लोग कहते हैं गुरु करो जान के पानी पियो छान के, लेकिन नहीं, पानी में यदि पेशाब मिला है तो छनेगी नहीं। इसलिए क्या करना है कि गुरु करो छान के, गुरु करो छान के और पानी पियो जान के। आज योगीराज सिद्धार्थ ने पांचों की सलाह मानी है। और उस समय और एक प्रश्न करते हैं हमारे भाई बहन, कि जब बुद्ध का धर्म नहीं था तब कौन सा धर्म था? तब वैदिक धर्म था। उस समय अनेक वैदिक ऋषि थे, उन्हीं एक वैदिक ऋषि के पास कि सोच विचार करके मन में अब पांचों के संग धाए हैं। सोच विचार करके मन में अब पांचों के संग धाए हैं। और सुना नाम अधर्म सरला का पास में उनके आए हैं। उस समय एक वैदिक ऋषि थे जिनका नाम था धर्म सरला। कुछ भाई हमारे कहते हैं बुद्ध ने भी गुरु किए होंगे। हाँ, मैं बता रहा हूं, जो प्रकाश पैदा करता है, अंधकार दूर करता है, वो गुरु कहलाता है। लेकिन तथागत बुद्ध स्वयंभू है, जो अर्जित किया स्वयं से, आज धर्मशाला के पास पहुंचे हैं। जब आप किसी से कुछ लेना चाहेंगे तो पहले कुछ देना पड़ेगा, तो उनसे पहले गुरु कहा। एक दिन मौका मिल गया, कहने लगे, हे गुरुदेव एक बात बताओ। अधर्मशाला बोले, लाला पूछो। तो क्या पूछते हैं, क्या शंका है योगीराज सिद्धार्थ की, और उत्तर क्या मिलता है? क्या बोले हैं गुरुदेव? दीख पड़े जो सारा जगी और नजर मेरी में आता है। जो ये सारा संसार हमें दिखाई देता है, कि दीख पड़े जो सारा जग और नजर मेरी में आता है। फिर ईश्वर हमको बतलाओ क्यों बनता है और बिगड़ता है। और बिगड़ता है।
बताइए ये सारा संसार जो बार बार क्यों जन्म होता है, बार बार क्यों मृत होती है, यानी क्या शंका है? अधर्म सरना कहने लगे, लाला ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ हम तुम्हें बता रहे हैं। क्या उत्तर दिया? ये पृथ्वी असत से सत में आई है और सत से सारे संसार की रचना हुई है। मेरे धर्म प्रेमियों, ये योगी सिद्धार्थ की बात का उत्तर नहीं था, तो अधर्म सरना को छोड़ दिया। एक और ऋषि थे जिनका नाम था प्रजापत परवेष्ठी, उनके पास पहुंचे हैं और उनसे भी कुछ समय बिताया। एक दिन उनसे भी पूछने लगे, हे गुरुदेव एक बात बताइए कि जन्म मरण है। क्या पूछ रहे? जन्म मरण है, दुख रोग बुढ़ापा और मीत विरह विपरीत बिलापा। जन्म भी दुख है, जवानी भी दुख है, बुढ़ापा भी दुख है, मरना भी दुख है, प्रिय का बिछड़ना दुख है, अप्रिय का मिलना दुख है, और भूख प्यास दुखी और भारी। बोले हैं ईश्वर, भूख प्यास दुखी और भारी, जाशह दुखी सभी नर नारी। हे ईश्वर, ये सारा संसार दुखों में क्यों जल रहा है, इसका क्या कारण है? तो प्रजापत परमेष्ठी कहने लगे, लाला ये तो हमें नहीं पता है, लेकिन हाँ हम ये जानते हैं वायु में हलन चलन सभी शक्तियां विद्यमान हैं। तब वहां भी उत्तर नहीं मिला तो आगे बढ़ गए बृहस्पति के पास। बृहस्पति जल को मुख्य तत्व मानते हैं, कोई अग्नि को मुख्य तत्व मानता है। जब इन वैदिक ऋषियों से काम नहीं चला